बीजेपी में एक से बड़ा एक भ्रष्ट नेता बैठा है, उनके खिलाफ रेड नहीं डालने। एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसमें भ्रष्ट लोगों का जमाव, सारे के सारे इकट्ठे होकर 2024 को टारगेट करो और 2024 में सत्ता अपने हाथ में ले लो, इन लोगों से सत्ता खींच लो। जितने भी कुकर्म हैं, जितने भी नेता हैं, एक तरफ से लाइन लगा के सबके खिलाफ कार्रवाई हो, सबके खिलाफ FIR हो और सब लोगों को जेल में ठोका जाए। क्या है क्या नहीं है ये तो बाद की बात है, लेकिन जो सरकार ये कह रही है कि कॉलेजियम सिस्टम गलत है, पहले वो सरकार बताए, उस सरकार का न्याय मंत्री बताए कि तुम संविधान के तहत कानून के तहत कितना काम कर रहे हो। ये जो सारी कार्रवाई हो रही है, बीजेपी में एक से बड़ा एक भ्रष्ट नेता बैठा है, उनके खिलाफ रेड क्यों नहीं डालने। जो भी नेता किसी और पार्टियों में भ्रष्ट हैं, वो सारे जैसे बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उनके सारे केस बंद हो जाते हैं, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाती है, उनकी गिरफ्तारी रुक जाती है। ये क्या है? इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसमें भ्रष्ट लोगों का जमावड़ा है और देश का भ्रष्ट प्रधानमंत्री अपने उन भ्रष्ट सारे नेताओं को बचाने के लिए विपक्ष को टारगेट करके उसे खत्म करने की उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। मेरा जातिगत जनगणना पर बहुत सीधा है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन मैं इसे भीख के रूप में मांगने की हिमायत नहीं करता। मैं ये कहता हूँ बहुजन समाज के लोगों को कि आप सारे के सारे इकट्ठे होकर 2024 को टारगेट करो और 2024 में सत्ता अपने हाथ में ले लो, इन लोगों से सत्ता खींच लो, छीन लो आप, और उसके बाद में जब सत्ता आपके हाथ में हो, जिसकी चाहो जैसे चाहो जनगणना करवाओ, जो चाहो काम करो। लेकिन सर, जो भी सरकार बनेगी तो कांग्रेस तो उसमें सबसे बड़ा घटक होगी, इससे क्या दिक्कत हो रही है किसी को? कांग्रेस को दिक्कत हो रही है किसी को? भाई कोई भी घटक बड़ा छोटा तो होएगा ही, बात इससे नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा है, बात यह है कि सब लोग मिलके भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए काम करें और उसके बाद उखाड़ फेंकने के बाद में मिलजुल के सत्ता चलाएं, 5 साल सत्ता चले और इन 5 साल में बीजेपी के जितने भी कुकर्म हैं, जितने भी नेता हैं, एक तरफ से लाइन लगा के सबके खिलाफ कार्रवाई हो, सबके खिलाफ FIR हो और सब लोगों को जेल में ठोका जाए। और ये ED और CBI क्योंकि तभी फिर सरकार के अंदर में काम करेंगे, इसी ED और CBI के माध्यम से उन सबके काले करतूतों को जनता के सामने लाया जाए और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। सर, ये कैसे होगा जबकि SC ST OBC के ज्यादातर जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी में, सांसद जितने भी हैं वो सारे के सारे उसी पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं और समाज के गद्दार हैं वो लोग। मैंने जब कल मंच से भाषण किया था तो मैंने बाकायदे ये कहा था कि ये मोदी सरकार एक दिन में घुटनों पर आ जाएगी, सरकार खत्म हो जाएगी, लेकिन जो समाज के गद्दार हैं यानी SC ST और OBC के जो लोग हैं, ये जितने भी सांसद हैं, इन्होंने उसको बचा कर रखा है। ये सारे के सारे अगर रिजाइन कर दें, ये सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएं, ये सरकार एक दिन में साफ हो जाएगी, मोदी की कोई ताकत नहीं है। लेकिन जब ये खुद ही गुलामी कर रहे हैं और समाज के हित को छोड़कर केवल अपने स्वार्थ के लिए बैठे हुए हैं और अपने समाज के लिए अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, इस हालात में ही ये सरकार चल पा रही है। ये वही लोग हैं सारे के सारे जिन्होंने आर्थिक आधार पर जो पूरी तरह से गैर संवैधानिक था, जो कानून बना आरक्षण देने का, उसमें आरक्षण के जो कानून के पक्ष में इन्होंने वोट दिया, तो समाज के गद्दार तो ये हैं। और मैंने इसलिए समाज से अपील करी थी कि पहले किसी और पे उंगली उठाने से पहले ये समाज के जो गद्दार MP बैठे हैं, MLA बैठे हैं, पहले इनका इलाज करो, इनका इलाज करना जरूरी है। 2024 में आने वाले विधानसभा चुनाव जहां जहां भी हैं, एक भी इनमें से जीतने नहीं पाए, किसी भी हालत में संसद में और विधानसभा में पहुंचने नहीं पाना चाहिए। पलटते थे सर, मध्य प्रदेश में पलटती थी सरकार, महाराष्ट्र में पड़े तो फिर फायदा क्या होता है? फायदा? हाँ। इसमें फायदा देख रहे हो, आपके फायदा क्या होता है? सरकार गलत काम कर रही है, मोदी सरकार, उसकी गलत काम का विरोध करना है और आगे आने वाले समय में ये ना हो, ऐसे कानून बनाने की जरूरत है। और इसीलिए इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसका भी हस्तक्षेप होना जरूरी है, लेकिन अफसोस कि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के साथ ही खड़ी नजर आती है। तो सर, ये जो सम्मेलन हुआ है, आप कितना सफल देख रहे हैं? निश्चित रूप से सफल है। इस सम्मेलन के माध्यम से आवाज, बहुजन समाज की आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंची है, पूरे देश में नहीं दुनिया में पहुंची है, और उसके लिए धन्यवाद आप सारे के सारे जो मीडिया के साथी हैं, सोशल मीडिया के साथी, क्योंकि इस आवाज को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने की जो सबसे बड़ा काम किया है, जो कर रहे हैं वो आप लोग कर रहे हैं।
तो सम्मेलन पूरी तरह से सफल है। इस सम्मेलन में जितने भी भिन्न भिन्न संगठनों के लोग आए हैं, आज कम से कम इतने संगठनों के लोग एक मंच पर आए तो सही, इकट्ठे तो हुए, समाज की समस्याओं को लेकर, बहुजन समाज के दर्द को लेकर, उसके परेशानियों को लेकर, उसकी कमियों और कमजोरियों को दूर करने के लिए एक मंच पर आए। इससे बड़ी सफलता और क्या होगी। आप सब लोग भी तो कहते हैं कि सारे लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, तो अगर इतने समाज के संगठन के जो लोग हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, इससे बेहतर कौन सी बात होगी। ईवीएम देखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि ईवीएम को हटाने के लिए जन आंदोलन हम खड़ा करें, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास में एक बड़ी आप सफलता मानिए कि इस सम्मेलन में, न्याय अधिकार महासम्मेलन में, ईवीएम को भी एक विषय के रूप में, एक मुद्दे के रूप में शामिल किया गया है। अब से पहले तो ऐसी चीजें होती नहीं थी, लेकिन हम लोगों के लगातार प्रयास से कम आप मंच से भी ये आवाज उठने लगी है। हालांकि मैं जब किसान आंदोलन में था, मैंने पहले ही दिन कहा था किसान आंदोलन में ईवीएम को भी इसमें शामिल कीजिए। उस समय उन्होंने कहा कि बात आपकी सही है, लेकिन अगर हम इसको शामिल करेंगे तो फिर कहेंगे कि भाई राजनीति कर रहे हैं, तो इसलिए हमने जादू कोई बात नहीं की। लेकिन आते आते, किसान आंदोलन के अंत आते आते, सब लोग कहने लगे कि आपकी बात बिल्कुल सही है, हम लोगों को ईवीएम के खिलाफ भी लड़ना चाहिए। तो लोगों में ये बात समझ में आ रही है, इससे बड़ी और जीत क्या होगी। आप तो वकील हैं, आप तो खुद सुप्रीम कोर्ट जाकर खत्म करा सकते हैं। जा रहे हैं, इसमें कोई मीडिया कर्मी नहीं आया, टीवी वाला, अखबार वाला, कोई भी कॉल करने नहीं आया इस पूरा कुत्ते वाले। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप एक वकील हैं सर, आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों नहीं दाखिल करते। याचिका सुप्रीम कोर्ट में बहुत फाइल की गई है, लेकिन ईवीएम के विषय में याचिकाएं सारी खारिज कर दी गई हैं। इसलिए अब जो याचिका हम फाइल करेंगे, हम याचिका के रूप में नहीं करेंगे, हम उसको रिप्रेजेंटेशन के रूप में देंगे। और इसलिए हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, और देश के लोगों से जहां तक भी आवाज़ पहुंच रही है, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, इस ईवीएम के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान में हमारा साथ दें। हम ये मान कर चल रहे हैं, ये कैलकुलेशन है हमारी, कि देश में 90 करोड़ मतदाता हैं और लगभग 60% के आसपास, प्लस माइनस 5%, ये वोट पड़ते हैं, मतलब लगभग 60 करोड़ वोट पड़ते हैं। उन 60 करोड़ वोटों में से अगर 30 करोड़ के लगभग, 25 से 30 करोड़ लोग जो मतदाता हैं, वो हमारे हस्ताक्षर अभियान में शामिल होकर हस्ताक्षर करके हमें दें, तो उसको लेकर हम एक रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने करें, और एक राष्ट्रीय स्तर पर वकीलों का, बहुजन समाज के वकीलों का हम एक संगठन खड़ा कर रहे हैं। और ये मानते हैं कि जब हम वो रिप्रेजेंटेशन लेके जाएं, वो सारे सिग्नेचर हम लेके जाएं, उस समय वकीलों का जो पूरा हमारा समूह है राष्ट्रीय स्तर पर, वो सामने सुप्रीम कोर्ट के खड़ा हो, और तब ये बात रखी जाए कि इस ईवीएम को हटाया जाए। और ये कह के कि ईवीएम को जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो भी नहीं जानते कि ईवीएम कैसे काम करती है, हाई कोर्ट के जजेस नहीं जानते, आईएसआईपीएस नहीं जानते, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस नहीं जानते, प्रोफेसर्स नहीं जानते, वकील नहीं जानते, डॉक्टर नहीं जानते, इंजीनियर एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो सब नहीं जानते, और देश के पढ़े लिखे लोग, पीएचडी, सब नहीं जानते कि ईवीएम कैसे काम करती है, बावजूद उसके ईवीएम चलाई जा रही है। इसलिए हमें विश्वास है कि हमारा जो लॉजिक है, जो हमारे तर्क हैं और जो सबूत हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ईवीएम हट पाएगी। लेकिन तरीका हमारा दूसरा है। सपा बसपा है, आरजेडी है, वो भाई ये तो बात आप उनसे पूछो यार, मेरे से मेरी बात पूछो ना कि वो क्यों खामोश है, मैं क्या बताऊंगा। मेरी बात पूछो कि मैं तो लड़ रहा हूँ ना संघ में, मैं तो संघर्ष कर रहा हूँ, मेरा काम संघर्ष करना, लोगों को जगाना है, मैं लगातार काम कर रहा हूँ। आपके पास सीबीआई है, ईडी है, हिंदू मुस्लिम की भाजपा का एक बहुत बड़ा मामला चलता है, कैसे, हमारे पास संविधान है, हमारे पास संविधान है, और उसी संविधान की शपथ लेकर देश का प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बना है। हमारे पास संविधान है जो देश के लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है, हमारे पास संविधान है जिसने इस देश को लोकतंत्र दिया है, हमारे पास संविधान है जिसके तहत प्रधानमंत्री से लेकर सारे लोग उसके तहत आते हैं। तो हम संविधान की ताकत को लेकर और उस संविधान के अनुसार लोगों को जोड़कर संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, ईवीएम को हटाने की और बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।